हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, गूगल शीट सीखने के सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है गूगल शीट की। आज के इस वीडियो में क्या सिखाऊंगा आपको, आइए आपको दिखाता हूं। देखिए, सबसे पहले तो हम यहां पे गूगल टाइप करते हैं और आप अपने ईमेल आईडी से लॉग्ड इन होना है। आपको क्या करना है, आपको अपने ईमेल आईडी से लॉग्ड इन होना है और यहां से जाकर के नीचे आपको मिल जाएगा गूगल शीट। तो बस इस शीट पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक स्प्रेडशीट, ब्लैंक स्प्रेडशीट सामने आ जाएगी। तो हम इसी को ले लेते हैं। आप जो है यहाँ पर क्लिक करके और एक न्यू स्प्रेडशीट ले सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने लिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा इसे जूम भी मैं कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में काफी सुविधा हो जाएगी। अब यहाँ पर मान लीजिए आपको जो है, सपोज कीजिए कि यहाँ पर आपको सीरियल नंबर इंसर्ट करना है। क्या करना है, सीरियल नंबर, यहाँ पर आपको सीरियल नंबर इंसर्ट करना है और यहाँ पर आएगा नेम, ठीक है, नेम आएगा और फिर यहाँ पे सीरियल नंबर आएगा। तो यहाँ पर मैं टाइप ही कर देता हूँ s.n, ठीक है, यानी यहाँ पे आएगा सीरियल नंबर। अब सीरियल नंबर ऑटोमेटिक हम नाम लिखे तो यहाँ पर सीरियल नंबर ऑटोमेटिक जनरेट हो जाए, आ जाए खुद से। इसके लिए कई सारे तरीके आपने यूज किए होंगे, एक तरीका और मैं आपको बताता हूँ। देखिए करना क्या, यहाँ पर इफ फंक्शन का यूज करना है आपको। आपने इफ लगाया, ब्रैकेट को ओपन किया। अब यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, ये वाला सेल जो है इसको सेलेक्ट करिएगा और कहिएगा अगर ये ब्लैंक नहीं हो, अगर ये ब्लैंक नहीं हो, ठीक है, तो यहाँ पर एक बार ब्रैकेट ओपन और यहाँ पर एक बार जो है गैप देके ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, एक बार ब्रैकेट ओपन फिर ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने, फिर कॉमा लगाएंगे और यहाँ रो फंक्शन लगाएंगे, रो, ठीक है। यानी इसी के अंदर दो फंक्शन हम यूज कर रहे हैं, यानी पहला फंक्शन इफ है, दूसरा इसी में रो है, ठीक है। तो हम यहाँ से माइनस वन करेंगे और माइनस वन करके कॉमा लगाएंगे, फिर डबल ट्विट कॉमा ओपन करेंगे, फिर डबल ट्विट कॉमा क्लोज करेंगे और इसको क्लोज कर देंगे। तो ये देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से हमने लगा दिया है। अब आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर अभी कोई भी सीरियल नंबर आपको इंसर्ट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या ये गलत है? नहीं, गलत नहीं है। आप यहाँ पे नेम लिखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं नेम लिखता हूँ RAM, राम। तो राम लिखते ही यहाँ पर एक सीरियल नंबर इंसर्ट हो गया। अब यहाँ पर आते हैं सेकेंड वाले पे, ठीक है, सेकेंड वाले पे आते हैं। तो यहाँ पे श्याम, SHYAM, और जैसे एंटर किया तो यहाँ पे तो आया ही नहीं, तो आपने ड्रैग नहीं किया, यानी इसको पहले आप ड्रैग कर लीजिए इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे दो तो आ ही रहा है, क्योंकि नाम लिख जैसे देंगे आप वैसे यहाँ पे दो आ जाएगा। अब यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पे एक और नाम लिख देते हैं मनोज, तो यहाँ पे 3 आ गया। अच्छा, यहाँ पर अगर हम लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मोनू लिखते हैं, तो यहाँ पे आपका 5 आएगा, यहाँ पे 4 आना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अगर मैं इसे डिलीट कर देता हूँ तो 4 यहीं पे ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है। ये इस फॉर्मूले का, फंक्शन का लगाने का फायदा है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ में आई होगी। इस सिंटैक्स को एक बार फिर से देख लीजिए, यही वो सिंटैक्स है और इसको आप इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।